नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली चिप लेकर आई है। कंपनी ने सैन फ्रांसिस्को में आयोजित अपनी सालाना डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में ब्लैकवेल B200 GPU को पेश किया है, जो कुछ कामों में अपनी पुरानी जेनरेशन की चिप से 30 गुना अधिक तेज है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स भी पेश किए हैं। एनवीडिया ने बताया कि गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी बड़ी कंपनियां उसके कस्टमर लिस्ट में हैं और ये सभी इस चिपसेट का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं और उनकी खुद की एआई ऑफरिंग्स में किया जाएगा। कंपनी ने इंसानी काम करने वाले रोबोट बनाने के लिए भी नई चिप्स का ऐलान किया। साथ ही कंपनी ने उन कारों के लिए भी चिप बनाने की घोषणा की है जिनके अंदर चैटबॉट होंगे। एनवीडिया ने बताया कि चीनी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर BYD और XPeng इनका इस्तेमाल करेगी। अब बात यूट्यूब में हुए बड़े बदलाव की। गूगल ने हाल ही में यूट्यूब के कुछ नियमों में बदलाव किया है। आपको बता दें कि यूट्यूब ने घोषणा की कि कंटेंट क्रिएटर्स को AI जनरेटेड कंटेंट के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों के अनुसार उन्हें AI से बनाए गए कंटेंट को लेबल करना होगा। यूट्यूब ने एक टूल पेश किया है जिसके लिए क्रिएटर्स को AI जनरेटेड कंटेंट का खुलासा करना होगा। कंपनी ने कहा कि हम क्रिएटर स्टूडियो में एक नया टूल पेश कर रहे हैं जिसके लिए क्रिएटर्स को ऑडियंस को ये बताना होगा कि कंटेंट जिसे दर्शक आसानी से किसी रियल ह्यूमन, जगह या घटना के रूप में समझ सकते हैं, वो AI जनरेटेड है या नहीं। भले ही ये जेनेरिक AI कन्वर्टेड या सिंथेटिक मीडिया के साथ बनाई गई हो, बिटकॉइन लेयर 2 प्रोजेक्ट, बिटकॉइन वर्चुअल मशीन BVM जल्द ही एक प्लेटफॉर्म जारी करेगा जिससे यूजर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। नए फीचर को ट्रूली ओपन AI कहा जा रहा है। इसकी मदद से यूजर्स क्रिप्टो एप्लीकेशंस पर इस्तेमाल के लिए ब्लॉकचेन पर AI मॉडल्स तैयार कर पाएंगे। AI मॉडल कोई फैसला करने में मदद करेगा। ये एक खास डेटा सेट पर बेस्ड एक टूल या एल्गोरिदम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन कंपनी स्टैकू टेक्नोलॉजीज ने AI पावर्ड क्राइम GPT त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। ये टूल UP सरकार और स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम करता है। इस क्राइम GPT लॉन्च का मकसद सिक्योरिटी को मजबूत करना है। इससे UP पुलिस को अपराधियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। क्राइम GPT त्रिनेत्र 2.0 आपराधिक डेटाबेस निकालने के लिए लिखित और ऑडियो इनपुट दोनों का इस्तेमाल करता है और फिर उसके आधार पर रिजल्ट्स तैयार करता है। अगर किसी अपराधी के बारे में पिछले 2 वर्ष में किए गए अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो एक लिखित या ऑडियो संदेश क्वेरी दर्ज की जाती है। डेटाबेस से जुड़कर प्रोग्राम को जरूरी प्रोग्राम तुरंत मिल जाते हैं। इसमें आपराधिक गिरोह विश्लेषण, स्पीकर पहचान, आवाज पहचान, चेहरे की पहचान और कई चीजें शामिल हैं। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।